फिर आपकी मतलब वो वाले इश्यूज नहीं रहेंगे जो अभी हो रहे हैं, या पहले दिन जो वादा से या उसने मुझे पोनी मार दी, ये पोनी मारी है मुझे, यहाँ पोनी क्यों मार दी, वाला पोनी मारने वाली चीज़ है, कमा है यार, मतलब होता है। अब इस तरह जैसे आज हमारा जो सीन हुआ, मतलब वो मेरे से कह लो कि मैं थोड़ा, मैंने तुम्हें कहा ना मैं लाउड आदमी, तो मेरे मुंह से निकल गया वो, मैंने वो आई डिडंट मीन इट, मेरा वो मकसद नहीं था तुम्हें, तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली को, तो मैं फैमिली के बारे में तो कभी इस तरह की बातें करता ही नहीं हूँ। पहली बात, फैमिलियाँ बहुत सबकी जो हैं वो दिल के पास होती हैं, मेरे भी हैं, तुम्हारी भी होंगी, और उसी तरह से तुम्हारी फैमिली भी मेरे दिल के करीब होगी। मैं कभी भी किसी अपने दोस्त, अपने जानने वाले को जो है वो उसकी फैमिली के सामने कुछ नहीं कहता या कुछ इस तरह की बात नहीं करता जिससे उसका इमेज या उसकी बात ख़राब हो। मैं एक बात मानता हूँ कि कभी भी किसी बेटे के सामने, किसी बाप के, मतलब हम अब मेरे जो दोस्त हैं वो माशाल्लाह बच्चे वाले हो गए हैं, कुछ काफ़ी हैं जिनके बच्चे भी हैं छोटे 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 से, तो मैं कहता हूँ कि कभी भी जो है, मैं कोशिश मेरी हमेशा यही होती है और मैं दूसरे अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि कभी भी उस बाप को अपने बेटे के सामने जो है वो कभी भी इस तरह के मजाक ना करो या कभी इसको छोटा महसूस ना करो ना। दोस्तों में आप कहते हैं अबे जा यार तू तो पागल आदमी है, कैसा स्टूपिड, रहने रहने बड़ा तू, वाह वाह फन्ने का, बाप के सामने दो बेटे के सामने नहीं, क्योंकि वो एक बाप जो है वो बड़ी एक, आप उसको लुक फॉरवर्ड करते हो, आप उसको उसको फॉलो करते हो।